फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 18-15 के दिन एक मार्केट की क्लोजिंग हुई थी और उस पे सारा दामोदार उस क्लोजिंग पे था कि अब अगले दिन क्या होगा, क्योंकि 18 तारीख को जो रिजल्ट था वो गुजरात का अहम इलेक्शन था जिसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर कही जा रही थी कांटे की। अगर ये उलट फिर सुबह सुबह के मॉर्निंग टाइम्स में जो हुआ वो शायद किसी को समझ में भी नहीं आया होगा। तो उस हिसाब से किस तरीके से ट्रेड करते हैं मैं आपको आज उसमें सिखाता हूँ। जब भी कोई बड़ी इवेंट होगी उसमें आपको करना क्या है और इवेंट के एक दिन पहले किस तरीके से पोजीशन लेनी होती है मार्केट में। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है और इसके अंदर आपको अपना दिमाग लगा के काम करना है, किसी के कहने पर काम नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि एजुकेशनल में आप किसी भी इवेंट को चेक कर सकते हैं और अगर कोई जानकारी हो, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो इस मोबाइल नंबर पर जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्लेमर अमूमन हर समय एक जैसा ही रहता है और यही है कि हम जो बता रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ से, हम आपको कोई फोर्सफुली ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का ट्रेड आज ले लेना है। दोस्तों, अगर आपको लगे तो यहाँ पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जरोदा में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डाल के साइन अप कीजिए, आपको वहाँ से 102 दिन में कॉल आ जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर हम और ज़्यादा अच्छे से सेवा कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से, अगर मैं आपको एक सिंपल एक्सेल पर वर्किंग दिखाना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और उसका बेनिफिट आप किस तरीके से उठा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट जो ट्रेडिंग्स के जो टाइमिंग आवर्स होंगे वो लास्ट के होंगे, मतलब आपको जब भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले तो मेहरबानी करके वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आधा ज्ञान जहर के समान, मैंने 50 बार बोला, क्योंकि फिर हमारे यहाँ के इंडिया में बहुत सारे होशियार लोग ज़्यादा हैं जिनको आता ना जाता और चुनाव चिन्ह छाता, तो फिर होता क्या है कि सीखते हैं नहीं और कमेंट मारते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है उनको, उनके जीवन में, मेरे को नहीं होगी। तो आप समझ ले, समझ लीजिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, बिना स्किप कीजिए। तो दोस्तों, अब जैसे हम बात करेंगे कि आज मैं निफ्टी ऑप्शन का एक बेहतरीन फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैंगल, ठीक है, वो किस तरीके से काम करता है और उसमें किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो चलो आज हम बात करेंगे, मेरे पास एक एक्सेल फाइल भी है जो कि मैंने आपने रेडी अवेलेबल कर रखी है आप लोगों के लिए, बट रेडी अवेलेबल चीज़ें हजम नहीं होती है तो उसके लिए पहले मेहनत करो तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। इसमें क्या करना होगा आपको, इस जो लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है दैट मीन्स ये होता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट या जब भी कुछ ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो आपको प्रॉफिट कमाने का फायदा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। अब उस वॉलेटिलिटी दोनों तरफ हो सकती है, वॉलेटिलिटी नीचे की साइड भी हो सकती है, वॉलेटिलिटी ऊपर की भी साइड हो सकती है। जैसा कि आपने मोदी जी के चुनाव के रिजल्ट के दिन देखा कि जब सुबह सुबह कांटे की टक्कर थी तो मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिरा और जैसे ही कांटे की टक्कर खत्म हुई मार्केट ने वापस से ही वही उस जो क्लोजिंग था उससे भी ऊपर की क्लोजिंग दी और मार्केट आज उससे भी ज्यादा ऊपर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों, अब उसमें करना क्या है आपको ना, लॉन्ग स्ट्रैंगल का मतलब होता है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि निफ्टी फ्यूचर की, तो निफ्टी फ्यूचर 15 तारीख को जब क्लोज हुआ था उसका रेट यहाँ पर आप देख लीजिए 3,357 रुपए था, ठीक है, तब 3,357 था और जो गिरावट आई थी अगले दिन वो सीधे 300 पॉइंट की लगभग गिरावट आई थी। मतलब जैसा मैंने कहा कि गिरावट उसी प्रकार से हुई, बट जैसे जैसे मार्केट सुधरने लगा वैसे वैसे वो गिरावट क्या हुआ तो ऊपर ही बंद हो गया। अब इसको किस तरीके से ट्रेड करना है देखिए, अब लॉन्ग स्ट्रैंगल में क्या होता है कि आप जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, जैसे कि अभी 10,350 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, तो अब मैं ये बोलूंगा कि अगर 10,350 का स्ट्राइक प्राइस, निफ्टी में 10,350 का भी स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करेंगे तो 10,350 का स्ट्राइक प्राइस चल रहा था उस समय आपको एक ऊपर का कॉल और नीचे का पुट बाय करना है, ठीक है, ओके, जिसे हम कहते हैं एट द मनी कॉल और एक आउट द मनी कॉल, ओके। तो जो कॉल आपको एक कॉल बाय करना एक पुट बाय करना, ओके, जैसे कि अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, वर्किंग देख लीजिएगा, बट इसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसके लिए आपको टिल द
एंड तक इस वीडियो में वेट करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज हम बात करें कि यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा 10,400 रुपये का एक कॉल खरीदूंगा और 10,300 रुपये का एक पुट खरीदूंगा, मतलब बाय करूंगा बाय। और जो बाय करूंगा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 10,300 रुपये का जो पुट मैंने, अगर मेरे ये देखिए 10,000 का पुट मैंने जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 94.50, जो कि मैंने यहाँ एक्सेल में आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना है कि किस तरीके से आप इसमें काम कर पाएंगे, साथ में बाद में बैंक निफ्टी भी समझाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आप देखिए कि जैसे कि मैंने अब ये क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए, लगभग मैंने क्लोजिंग प्राइस पे बाय किया होगा, क्योंकि उससे पहले भी कर सकते हो। तो मैंने, मेरा क्लोजिंग प्राइस था 994.50, ठीक है, और जो कि मेरा कॉल था उसका बाइंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस था वो था मेरा ऑलमोस्ट 94। तो मतलब ये जो अमाउंट है, ये 14,000 रुपये जो 75 क्वांटिटी का, दैट मीन्स दिस इज माई अल्टीमेट लॉस। देखो अगर लॉस होगा तो 14,000 होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना भी हो सकता है, बट इट्स अप टू यू। तो ये इस तरीके से काम करता है, मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट अगले दिन खुला तो जो कॉल था वो नीचे की साइड खुला, तो उसका जो रेट आया वो मैक्सिमम नीचे की रेट जो आया वो 29.75 आया, ठीक है। और जो पुट था वो ऑब्वियस है कि मार्केट गिरा तो पुट ऊपर चढ़ जाता है, तो उसका जो हाई प्राइस आया वो 218.75 रुपये, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा। तो जो आपका लॉस था वो 14,000 रुपये था, और आपका जो सेल था, जो आपका प्रॉफिट था वो था 18,675 रुपये। क्यों? क्योंकि दोनों साइड ये हुआ, ठीक है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके का मूवमेंट मिले मार्केट में तो आप उससे प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप देखेंगे कि 10,437 रुपये आपने लगाए, बट उसके सामने आपको 4,500 रुपये मिले, यानी आपको 31% का प्रॉफिट मिला। ये आपका अल्टीमेट लॉस हो सकता था, बट आपको उसके सामने प्रॉफिट हुआ। बट इसके अंदर मैं एक और आपको चीज बताता हूँ कि जब भी कभी भी कोई मार्केट इतना गिरता है तो उसके बाद वो रिबाउंड होता है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में आपको ये देखना होगा कि, ये समझना होगा कि अभी जैसे कि मान लीजिए आपने 218 रुपये पे कोई पुट, 94 रुपये की पुट 218 रुपये पे आपने बेच दी, अब उसके बाद में आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 29 रुपये बचे, यानी 29.35, ये 30 रुपये पकड़ते, 30 × 75 अगर मैं कंप्यूट करूँ तो 2,250 रुपये होता। आप इसमें थोड़ा सा और वेट कर सकते हो, इस तरीके के मूवमेंट का आने का वेट कर सकते हो। तो अभी क्या हुआ कि जब वापस से ये चीज नीचे की साइड घूमी तो क्या हुआ कि वापस से रेट, जैसे यहां पर आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये 23 रुपये पर भी गया, बट वापस से ये चीज आ गई। तो ये केस में आपको क्या करना है कि ये चीज में आपको इसको सेल कर देना था और इसको स्टील पेंडिंग रखना था। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि आपने किस इसमें कितना प्रॉफिट कमाया, तो हम बात करेंगे कि मैंने यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाया वो है मेरा 9,000 रुपये के लगभग, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने लॉस भी कमाया 4,500। तो अगर मैं मानूँ कि मेरे को अल्टीमेट लॉस 4,500 रुपये हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर वेट कर सकता हूँ, क्योंकि इतना मार्केट घूमने के बाद में ऐसा है नहीं कि नीचे नहीं जाता, ऊपर नहीं आएगा, आएगा। तो आप देखो कि वो वापस से वही रेट आ गया। तो अगर मैं कितना वेट करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान लो मेरे मन में शंका हो तो मैं यहाँ तक वेट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने वापस ये चीज़ 63.60 में बेच दी तो भी, तो वापस से मेरा पैसा 7,000 रुपये के लगभग हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं आपको एक बैंक निफ्टी समझाता हूँ। इसमें जो अल्टीमेट लॉस होता है दोस्तों, वो आपका लगाया हुआ प्रीमियम होता है, जो कि पूरा साफ हो जाता है, और बस इसमें इस तरीके मूवमेंट का ही वेट करना होता है। और इस तरीके के मूवमेंट किसी भी इलेक्शन, चुनाव या फिर किसी कंपनी, बड़ी कंपनी के रिजल्ट के समय आते ही आते हैं। और रिजल्ट के लिए कम आने में कम से कम आपको 5 से 10% का मूवमेंट उस स्टॉक में चाहिए होता है। अगर उस स्टॉक में 5 से 10% का मूवमेंट नहीं आता है तो ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल, ये आपकी ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी और उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आएगा और फिर आपको लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 106 ये बैंक निफ्टी फॉर एग्जांपल 94 रुपये की चीज़ 40 रुपये हो गई और ये भी 40 रुपये हो गई, तो आपको सीधे आपको 57% यानी आपकी जो कैपिटल लगाई है उसका लॉस हो जाएगा।
तो हमने जैसे बात करी कि अल्टीमेट लॉस की, तो अल्टीमेट लॉस नहीं होगा इस केस में, बट आपको 8,000 रुपये आपके साफ हो चुके होंगे। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर यह भी रखा है कि 26 तारीख को जब 25,531 के आसपास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बैंक निफ्टी ने, जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी फ्यूचर जो था, उसने यहाँ पर क्लोजिंग दिया 25,525 रुपए के आसपास। और आप सोचो कि उसने कितना, 1,100 पॉइंट के लगभग, मतलब 25,525 से 25,207, यानी कि लगभग लगभग 1,300 पॉइंट नीचे गिरा। ठीक है, अब 1,300 पॉइंट, यानी ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट अगर हम बात करें, तो 25,500 के सामने 1,300, यानी मैंने जैसे कहा था कि ऑलमोस्ट 5% से 5% की वॉलेटिलिटी होनी ही चाहिए किसी भी चीज में, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 6% के आसपास की वॉलेटिलिटी उस दिन रही रही। तो अब हम बात करेंगे कि क्या हुआ इस दिन भी। इस दिन भी यही हुआ कि अगर मैं कोई पुट, अगर मैंने पुट कोई खरीदी थी, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पुट खरीदी होगी, फॉर एग्जाम्पल 145, क्लोजिंग प्राइस इज 146.75, मैंने पुट खरीदी 25,000 की, और मैंने 26,000 का कॉल खरीदा, जो कि दोनों खरीदे ही हैं मैंने बॉस, तो दोनों खरीदे, तो मैंने 106 रुपए के आसपास इसको खरीदा। जब ये अगले दिन कॉल खुला, तो ये कॉल का लो था 19 रुपए 80 पैसे, और जब ये पुट, दिस इज कॉल नॉट पुट, और मैं 25,000 का जो पुट था वो मेरा अल्टीमेट ऊपर चढ़ा कितने रुपए से, आप देखो 448 रुपए 25 पैसे, 35 पैसे, मतलब अगर मैं कोई चीज 146 रुपए की चीज 3 गुना हो गई, तो मैंने दोनों प्राइस लिखे, ठीक है, 19 रुपए मेरा लॉस हुआ, मतलब मेरा बचा, और दोनों के लगभग, तो अब मेरे को 8,000 रुपए के लगभग प्रॉफिट मिला। दैट मीन्स आप बोलो कि 100% प्रॉफिट मिला। इसके कंपेयर में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, जो कि यहाँ पे हमने कुछ फिगर डाले थे वो अब निकल चुके हैं। मैं वापस से इसको चेंज करता हूँ, तो देखेंगे कि कितना मिल रहा था मुझे यहाँ 4,500 के सामने, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी में मुझे ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट मिला, जबकि मैंने, मतलब 100% का प्रॉफिट मिला। और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी समझाई थी कि इतना गिरने के बाद जिस तरफ गिरा है उस तरफ की चीज को अल्टीमेट, आपको ये सब चीजें 5 मिनट में करनी है, ओपनिंग के सिनारियों में करनी है, ओपनिंग में ही करनी है। तो आपने जैसे ही ओपनिंग में खुलते से जो भी रेट मिला, मतलब हाई जहां पे भी आपको मौका मिला, वहां पे चौका जड़ देने का, और आपने यहाँ चौका जड़ ही दिया होगा। तो आपने जैसे देखेंगे कि अब ये 9:15 की जो कैंडल है वो 448 रुपए के आसपास गई, और बाद में हमने जैसे कि आपको समझाया कि इसको छोड़ दो, मतलब इसको जो किया वो कर दो, और बाद में ये जो दूसरा है इसको छोड़ दो। तो अभी इसमें कैसा होगा कि आपको जो प्रॉफिट हुआ रहेगा वो वापस से आपका ऊपर की तरफ आ गया, और अगर आपने यहाँ भी निकले तो 83 रुपीज के आसपास वापस से आपके भाव मिले, तो आपको ऑलमोस्ट 14,000 11,000 हो गए, और आपका 110 रुपए के आसपास आपका प्रॉफिट फिर बन गया दोस्तों। तो इसी तरीके से लॉन्ग स्ट्रैंगल काम करता है। आप चाहे तो किसी भी स्टॉक जिसमें कि 5 से 10% का मूवमेंट आने वाला हो, या फिर किसी भी इवेंट के पहले इस तरीके का वॉच कर सकते हो, और अगर आपका वॉच सक्सेसफुल हो और आप में कैपेसिटी है पूरा पैसा डूब जाने की, तो ही ये ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना। धन्यवाद दोस्तों, का दिन शुभ हो।